बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये रेसिपी मैं आपको पाकिस्तान से दे रही हूँ, यहाँ मैं छुट्टी पे आई हुई हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ आज जो रेसिपी लेकर मैं आई हूँ आपके लिए, स्पेगेटी चिली सॉस के साथ बना रही हूँ, इसके साथ चिकन है और साथ में सब्ज़ियाँ हैं। सबसे पहले दिखा दूँ कि स्पेगेटी ये मैंने तकरीबन बॉयल करके नमक और ऑयल इसमें डाला है। इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, गाजर, ये 3 अदद गाजर कद्दूकश की हैं, आलू भी चाहिए इसके लिए, ये कद्दूकश किए हैं, साथ है इसके शिमला मिर्च है, बंद गोभी ये तकरीबन मैंने हाफ ली है, और आधा किलो चिकन, काली मिर्च और नमक अजीनोमोटो लिया है, सोया सॉस, चिली सॉस और ऑयल चाहिए मुझे बनाने के लिए। ये आलू, इसको मैंने इस तरह शेप दी है। ये फ्राइज अगर बाजार के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ये बिल्कुल मैं गार्निश के लिए इस्तेमाल करूँगी। इनको मैंने 1 घंटा नमक डाल के पानी में भिगो के रखा हुआ है, इसको मैं अलग-अलग फ्राई करूँगी। मैं फिर दिखाती हूँ कि किस तरह इसको इस्तेमाल करना। सबसे पहले आए तकरीबन ऑयल में ज़्यादा नहीं डाल रही, 2 चम्मच सिर्फ मैंने ऑयल डाला, ठीक है। बस इसको हल्का सा फ्राई करना है, फिर मैं फ्राई हो गया है। अब इसमें शिमला मिर्च और ये बंद गोभी और गाजर, ये तीनों चीज़ें मैं शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने 3-4 मिनट इस तरह अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें सोया सॉस, ये बिल्कुल नॉर्मल सोया सॉस है, ये डाल दिया तकरीबन 1 भर के चम्मच इसमें सोया सॉस डाल दी, 1 भर के चम्मच में सोया सॉस डाल दिया। आप ज़्यादा से भी डालना चाहें डाल सकते हैं, ये चिली सॉस, 1 भर के चम्मच जीना मोटो और काली मिर्च। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये फ्राई, इधर फ्राइज मैंने बनाए हैं, ये मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी कि किस तरह इसको मैंने इस्तेमाल करना है, या बाजार के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके बना लिया। नमक आप चेक कर लें, अगर आप जिनों में तो नहीं डालना चाहते दूसरा नमक डाल लें। अब मैं इसमें ये सारी स्पेगेटी शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके बिल्कुल एंड पे ये फ्राइज बनाए हैं, ये इस तरह, ये खास तौर पर ये रेसिपी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चों को फ्राइज पसंद होते हैं, इसलिए इसमें इस तरह सजा के सर्व करें और बच्चों को पसंद आए। वीडियो नाज़रीन, ये स्पेगेटी तैयार है, आप बच्चों को ज़रूर बना के दें, ये अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें। बच्चों को इस तरह के फ्राइज़ के साथ से बहुत, इस फ्राइज़ को मैंने साइड में रखा है और बच्चों को ख़ास तौर पर ये बहुत ही पसंद आते हैं, ज़रूर बना के दें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह मैं आपको और वीडियो दूँगी यहाँ से, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें अल्लाह हाफ़िज़। और इसको चटनी के साथ, इसकी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।